हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि आने वाले कुछ दिन में मेरे लिए और आपके लिए सरप्राइज व्लॉग आने वाला है। फाइनली आज वो दिन आ गया है। आज है मेरे नए बाइक की डिलीवरी। आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि कौन सा बाइक है। तो चलिए, मैं रेडी होकर आपको सीधा मिलता हूँ शोरूम पे। यहाँ पर है रॉयल एनफील्ड के शूज। 4-5 दिन पहले मैं शोरूम से परचेस करके लाया था। चलिए, शूज पहनकर मैं निकलता हूँ शोरूम की तरफ। मैं हो गया हूँ रेडी। एक बार आपको अपने शूज दिखा देता हूँ। मैं पहुंच गया हूं शोरूम। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर रखा है अपना मीटियोर। चलिए मैं अपने मीटियोर को स्टार्ट करता हूँ। अब बारी आती है अपने मीटियोर को शोरूम से बाहर निकालने की।
ऑपरेशन बंद होने के बाद आपको खाली सेल्फ हम लोग बाइक लेकर वापस घर आ गए हैं। आपको मेरा बाइक पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा बाइक पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए मीटियोर 350 ओपी। मीटियोर 350 बहुत ही अच्छा बाइक है, कंफर्टेबल भी है और पावरफुल तो है ही। अगर आप अहमदाबाद में रहते हो, मीटियोर 350 परचेस करना चाहते हैं, तो मैं स्क्रीन पर नंबर डाल दूंगा, आप फोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो कल मैंने अपनी कजिन सिस्टर को कॉल करके बताया कि कल मीटियोर 350 की डिलीवरी है। तो मेरी बहन ने मुझे पूछा कि मीटियोर का पेट नेम तूने क्या सोचा है। तो मैंने मीटियोर का पेट नेम सोच लिया है। महाराणा प्रताप सबसे शक्तिशाली राजा थे।
उनका एक वाइट कलर का घोड़ा हुआ करता था। वो उसे बहुत प्यार करते थे और बहुत शक्तिशाली भी था। उसका नाम उन्होंने रखा था चेतक। तो ठीक वैसे ही रॉयल एनफील्ड का सबसे पावरफुल बाइक मिटियोर 350, उसका नाम मैंने रखा है चेतक। अब आज से वो मेरे फैमिली का मेंबर है, उसको भी मैं अच्छी से रखूंगा। उस पर बैठकर संडे राइडिंग, सोलो राइडिंग पर मैं जाऊंगा। मैं कुछ दिन के बाद मिटियोर 350 की सारी सिस्टम को अच्छी तरह समझ लूं, उसके बाद मिटियोर पे रिव्यू का वीडियो जरूर बनाऊंगा। सब लोगों को एक छोटी सी कंप्लेन होती है कि रॉयल एनफील्ड के क्लासिक 350 में वाइब्रेशन बहुत होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मिटियोर 350 में वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। मिटियोर 350 को आप लोग एक बार शोरूम में जाके देखे, टेस्ट ड्राइव ले, उसके बाद आप बुकिंग करवा सकते हैं। मैंने 8 से 10 बाइक को चलाया। कुछ बाइक को मैंने शोरूम पे जाके देखा, कुछ मेरे फ्रेंड से मांग के चलाई, लेकिन लास्ट में मैंने मिटियोर 350 का टेस्ट ड्राइव लिया। मिटियोर को चलाने के बाद मुझे किसी भी बाइक को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना कंफर्टेबल है ये बाइक। उसके बाद पापा से बात करके मिटियोर को फाइनल करवा दिया। आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाता रहूं। तो अब समय आता है आज के व्लॉग को एंड करने का। आप लोग मेरे राइडिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाइए। आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।